विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस तमाम मुद्दों के साथ सदन में सरकार को घेरने पहुंची। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में घोटाले ही घोटाले हुए हैं, यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इसके सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि घोटाला हुआ, प्रश्न तो यह उठता है कि प्रदेश में कौन सा घोटाला नहीं हुआ। नर्सिंग घोटाला या व्यापम घोटाला, इनसे बड़ा घोटाला आज तक प्रदेश में नहीं हुआ। यह सरकार की नाकामी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए उनके प्रावधान बजट में करें जिन पर चर्चा हो। ऐसा घोटाला नहीं हुआ यहाँ, ये प्रश्न है, घोटाले हुए ये प्रश्न नहीं है। कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने कहा कि आदिवासियों के साथ प्रदेश में अत्याचार किया जा रहा है, हम अभी पेशाब कांड भूले भी नहीं हैं। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के मामले जो सामने आए हैं, और जहां तक नर्स कॉलेज के ये जो प्रकरण है ये किसी से छुपा नहीं है। हम ये तमाम मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश के में चर्चा करेंगे और 8.5 करोड़ जो इस प्रदेश की जनसंख्या है जिसके सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने जो वादा करके आए हैं, जो इनके वचन पत्र हैं, उनको ये पूरा करें, ये हमारा रहेगा। वहीं कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। 3,000 क्विंटल धान और 2,700 रुपए क्विंटल गेहूं की खरीदी नहीं की गई। सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों को खाद्य और बिजली नहीं मिल रही है। किसान आज भी बिजली और खाद के लिए दर दर भटक रहा है। अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़े तो जो वादा खिलाफी सरकार ने हमारे किसान साथियों के साथ में की है, जहाँ पर सरकार ने हमारे किसान साथियों को वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद जो धान है वो 3,000 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, गेहूं जो है 2,700 रुपए में खरीदा जाएगा, लेकिन कहीं उसकी कहीं भी वो जो वादा किया था वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, खाद की भारी कमी देखने को हमको मिल रही है। कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने सरकार पर लाडली बहनों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए और 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में अपनी बात रखेगी। विधानसभा चुनाव में इनका वादा था कि लाडली बहनाओं को हम 3,000 रुपए महीना देंगे, और किसानों को भी छलने का काम किया गया है कि क्योंकि मैं बालाघाट जिले से आती हूँ, धान बाहुल्य जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है, तो धान का हम 3,100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे किसानों को। उसी तरह कहा था इन्होंने कि 2,700 रुपए हम गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन सम्मानी मोहन यादव जी की सरकार आज सारे वादों से बदल चुकी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।